जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हमारा डे है 199, 199 एंड अमेजिंग अमेजिंग। सबको बताइए, आते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, शेयर करते रहिए और ऑफ कोर्स कहते रहिए जय श्री कृष्णा। तो थैंक यू, सभी का स्वागत है। और आज हम थोड़ा और बढ़ेंगे आगे, कुविद्या के लक्षण जो हम सीख रहे हैं, कुविद्या के लक्षण। कल हमने कुछ बातें कही और काफी इंटरेस्टिंग बातें थी कल की, है ना। तो एक जिसे कहते हैं ना, मैंने कल एक पॉइंट रखा था कि कुविद्या यानी कौन, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे गलत ज्ञान बिल्ड होता है, गलत ज्ञान से गलत बिलीफ बिल्ड होते हैं और गलत बिलीफ से यानी विश्वास से गलत आचरण का निर्माण होता है। तो इन्फॉर्मेशन गलत है तो नॉलेज गलत है, नॉलेज गलत है तो गलत चीज पे विश्वास है और गलत चीज पे विश्वास है तो आचरण गलत है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। वह व्यक्ति कुविद्या का धारी है, कुविद्याधारी है, जिसे खुद को कुछ समझ में नहीं आता और दूसरों की सुनता नहीं। खुद को समझ में नहीं आता है और दूसरों की सुनता नहीं है, वो कुविद्याधारी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी हिंट देना चाहूंगा। कई बार ऐसे जब ट्रैप में हम फंस जाते हैं तो आसान नहीं होता, आसान नहीं होता कि खुद को जज करें, खुद को गाइड करें और बाहर आए, है ना। तो जरूरी यह है कि ऐसे वक्त हम हमारे रिजल्ट्स को मेजर करें, हम हमारे रिजल्ट को मेजर करें, रिजल्ट की तरफ देखें। जिस किसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, परिणाम अच्छे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो समझ लेना कि हमें समझ है, समझ लेना कि हमें समझ है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें समझ के लेने की जरूरत है, तो हमें सुनना पड़ेगा किसी न किसी को। तो कई बार ये समझना बहुत मुश्किल है कि कौन सी चीज मुझे आती है, कौन सी चीज नहीं समझ में आती। तो हमेशा खुद को डिफेंड करने से पहले, मुझे सब पता है वाली घोषणा करने से पहले, है ना, हम एक बार परिणामों की जांच करें। अगर परिणाम अच्छे हैं, आउटकम अच्छा है, तो फिर ठीक है, जो ज्ञान हमारे पास है उसके लिए जिसे कहते हैं कि ओके चलो मुझे ठीक ठाक पता है, ठीक ठाक पता है। और अगर वहां नहीं आ रहे, परिणाम गलत हो रहे, तो किसी न किसी से सीखना पड़ेगा, है या ना। ये एग्जैक्टली ऐसे होता है जब कोई नई डिश बनाई जाती है, या तो आपको आती है या तो आपको नहीं आती। पर बहुत सारे लोग ना इतनी जिसे कहते हैं ना नॉट सो अमेजिंग डिश बना देते, फिर भी बोलते मेरे को सब पता है, और कुछ लोग बोलते प्लीज शेयर द रेसिपी। तो सक्सेस का भी ऐसे ही होता है, सक्सेस एक डिश है और उसके उसकी एक रेसिपी होती है। या तो आप सक्सेसफुल हो या तो आपको किसी ज्ञानी से सुन लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण, इतना सिंपल है। बट कुविद्याधारी ना तो खुद की मदद करता है, ना तो उसे कुछ खुद को कुछ आता है और दूसरों की सुनता है ना। उसे खुद को भी नहीं आता और दूसरों को भी नहीं सुनता, और ये एक गलत बात है ना। इनफैक्ट हमारे बड़े भाई साहब प्रवीण सर हमेशा कहते हैं, वन शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर, वन शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर, ओपन रहे लर्निंग की तरफ, परिणामों को देखे, परिणामों के या फिर उद्देश्य अपने फिक्स करे, यानी अपना लक्ष्य फिक्स करे, लक्ष्य तय हो गया, फिर परिणामों की जांच करे। परिणाम अगर आ रहे हैं, आप एक निश्चित गति से अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आप निश्चित गति से लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हो तो आपको गुरु की जरूरत है। चाहे आप जो करें, चाहे जिस क्षेत्र में आप हो। आगे बढ़ते हैं, दूसरों को, हाँ, कुविद्या का यह भी लक्षण है कि जिनके जो कुविद्याधारी होते हैं, दूसरों पे अन्याय करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं,
और जो लोग भक्त है उनका द्वेष करते हैं। कुविद्याधारी का ये भी काफी क्रिटिकल लक्षण है कि दूसरों पे अन्याय करना, दूसरों का द्वेष करना, भक्तों का द्वेष करना। ओके, और ये अपने आप में ही सही बात नहीं है। कुविद्याधारी का एक और लक्षण कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी पहचान किए बिना, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी पहचान किए बिना केवल एंजॉयमेंट के लिए अपने कार्य करता रहता है। अब जब ये बातें आती है ना, तो अब हमें लगता है बहुत बड़ी बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है ना। तो धर्म क्या है, इसके लिए ना भगवद गीता में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, धर्म क्या है। ओके, और मुझे वो श्लोक पसंद भी है, धर्म क्या है बताने वाला श्लोक। तो वह श्लोक कुछ ऐसा है, हतो वा प्राप्स्यसि चित् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म समझाया। धर्म यानी नियत नित्य कर्म, धर्म यानी नियत नित्य कर्म, अपनी ड्यूटीज करो। ड्यूटीज के बारे में कल हमने थोड़ी बात की है ना। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रयास में अगर तुम मारे जाते हो तो मोक्ष को प्राप्त करोगे, और अगर जीत जाते हो तो तीनों लोगों का किंगडम या ऐश्वर्य भोगोगे। दोनों तरह जीत तुम्हारी ही है। तो हे अतएव हे अर्जुन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, अतएव हे कुंती पुत्र उठो और युद्ध करो। धर्म इतना सिंपल है ना। सुबह सुबह उठना है, अपना रोल देखना है, मैं कौन हूँ, 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, प्रीलिम चल रही है, चलो स्टडी करो। मैं कौन हूँ, एक गृहिणी हूँ, तो चलो छोटे बच्चों को बड़े बच्चों को टिफिन बनाते हैं, है ना, उनकी तरफ ध्यान देते हैं। मैं कौन हूँ, अगर मान लो मैं जैसे कहते हैं भगवद गीता का प्रवचनकार हूँ, तो मुझे भगवद गीता सुनानी है, या फाइव क्लब में थोड़ा सा प्रवचन देना है। उठो, मैं कौन हूँ खुद को पूछो, और मैं जो हूं उसकी ड्यूटीज क्या है देखो, वो तुम्हारा धर्म है ना। स्टूडेंट है और ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहा है और कौशल्य में वृद्धि नहीं कर रहा है, खुद के स्किल एंड नॉलेज, सिंपल भाषा में ज्ञान ग्रहण कौशल्य वृद्धि, लोग डर के भाग जाएंगे, है ना। हमारी भाषा काफी जैसे कहते हैं समृद्ध है, पर बहुत सारे लोग उसे समझ नहीं पाते आजकल। तो अगर आप नॉलेज और स्किल बिल्ड नहीं कर रहे तो आप अधर्म कर रहे हो। स्टूडेंट की ड्यूटी नॉलेज और स्किल ग्रहण करना, इसी तरह सबकी ड्यूटी है, और ड्यूटी मैं नहीं सुनाऊंगा, दास बोध में सबकी ड्यूटी आने ही वाली है आगे चल, है ना। तो उसमें ज्यादा बात नहीं करते, आगे बढ़ते। बट जो धर्म का पालन नहीं करता है, अधर्म में जो रत रहता है, वह भी कुलक्षण कुविद्या लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, मर्यादा न जानना कुविद्या का लक्षण है। जय श्री कृष्ण। मर्यादाओं के प्रति सजग न होना कुविद्या का लक्षण है ना। आसान होता है किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को शुरू करना आसान होता है, रुकना कहाँ है, मेरी मर्यादाएं कहाँ है, यह समझना बहुत जरूरी है। और मर्यादाएं समझने में बड़े बड़े ज्ञानी गलती कर देते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी गलती कर देते हैं। मर्यादा का उल्लंघन हो गया, काम खत्म। हमने देखी थी, एक लक्ष्मण रेखा थी, मर्यादा थी, उसका उल्लंघन हो गया, और रामायण का एक लंका कांड नाम का एक नया चैप्टर जुड़ गया, मर्यादाओं का उल्लंघन, है ना। तो मर्यादाओं के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लग रहा है आपकी मर्यादाओं से खेल रहे हो, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी करना भी पड़ता है,
अगर वो धर्म के लिए है, सामने वाले के भले के लिए है, तो नम्रता पूर्वक स्वीकार करके उसके साथ आगे बढ़ना है ना। शायद आपने नोट किया होगा, ये गुरुजी से सीखा मैंने। अगर मुझे मेरे मन में शंका है कि मैं मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ या वो लाइन के साथ छेड़ रहा हूँ, मान लो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के साथ मैं थोड़ा फ्लर्ट कर रहा हूँ, अगर ऐसा मुझे लगता है तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ, फिर बोलता हूँ और फिर वापस फटाक से मेरी मर्यादा में आ जाता हूँ, मेरी बाउंड्री में, है ना। तो कभी कभी ऐसा करना अगर पड़े आपको, या फिर आप श्योर नहीं हो कि आप आपकी मर्यादा में हो या नहीं हो, है ना, तब आपको ये तरीका बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तो बहुत ज्यादा ना टीनेजर्स के साथ काम करता हूँ। कितने लोगों को पता है कि मैं टीनेजर्स के साथ ज्यादा काम करता हूँ? अब ध्यान से सुन लेना, टीनेजर के पास ना एक जबरदस्त गिफ्ट होता है, नेचुरल गिफ्ट। टीनेजर को लगता है मैं बहुत भारी हूं और पूरी दुनिया मुझे ही देख रही है। जरा बोल दिया, बोले आपने मेरे को सबके सामने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा शब्द वैसा शब्द, हर्ट हो गए, मैटर क्लोज्ड। जरा बोल दिया, बोले मुझे ज्ञान दे रहा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं बात को ना एकदम सिंपल रखता हूँ। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 63 क्या, भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 63, ओके। और ये बहुत अच्छा श्लोक है। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमश्रेत तत शेषेन यथेच्छसि तथा करो। जय श्री कृष्ण। तो मेरा ये फंडा है टीनेजर्स को गाइड करने का, मैं उनको बताता हूँ जैसे कृष्ण ने कहा वैसे मैं भी तुमको कहता हूँ। इस तरह मैंने ये गुह्यतम ज्ञान, एकदम जबरदस्त और गोपनीय ज्ञान तुम्हें दिया है, अब तुम इस पे विचार करो, विचार विमर्श करो, सोचो, चिंतन करो और फिर चाहे जो करो। तो टीनेज कोचिंग का ये सबसे बड़ा रोल है कि किसी भी हाल में आप टीनेजर को ऑर्डर नहीं दोगे ये कर वो कर। तो मैं तो यही कहता हूँ बेटा, ये मैंने तुमको बताया, अगर तुम्हें अच्छा लगा, ठीक लगा, तुम्हें लग रहा है इसमें तुम्हारी भलाई, तो करो। मन ही मन मुझे ये पता होता है, या तो प्यार से आज सुन लेगा या फिर कल परसों जब दुनिया थप्पड़ मारेगी, अनुभव की मार पड़ेगी, तब अपने आप याद आएगा और उस वक्त करेंगे। तो देर आए दुरुस्त आए, पर सुना ना मेरा काम है, है ना। तो ये बात भी होती है। तो मर्यादाओं के प्रति सजग रहना है, मर्यादाओं के प्रति सजग रहना है। मर्यादाओं के प्रति वही व्यक्ति सजग नहीं होता जो कुविद्याधारी है, गलत इंफॉर्मेशन, गलत नॉलेज, गलत बिलीफ, गलत आदतें पाल रखा है। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा डरने वाला और जिसे कहते हैं ना डर कर भागने वाला भी कुविद्या का लक्षणधारी है। ज्यादा डरने वाला मतलब क्या, इंग्लिश में कहावत है, the only limits we have are the ones who are self-enforced। तो ज्यादातर मनुष्य है ना खुद ही अपने आप को लिमिट करते हैं, रोकते हैं, मुझसे यह नहीं होगा, ये मुझसे ठीक नहीं होगा, लोग हंसेंगे, ये क्या करे होगा, वो क्या होगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो, तो कृपया इस बात को समझे, इस बात के प्रति सजग रहे। अगर आपको बार बार मन में शंका आती है कि डर लगता है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ओके, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं कर पाऊंगा, अगर बार बार ही आपके मन में शंका आ रही है, तो मेरी आप सबसे विनती है कि आपको विद्या के लक्षणों से ग्रसित हो, इस बात को स्वीकार करें, फिर इंफॉर्मेशन चेक करें, नॉलेज चेक करें, बिलीफ चेक करें और उसको क्रॉस चेक करें। ध्यान से सुनना, ज्यादातर चीजें ना इंसान ठीक ठाक तरीके से कर पाता है, डरने वाली बात नहीं, शेम वाली बात नहीं, है ना, और प्रयास करना है। जब भगवान
अभी अभी मैंने जो श्लोक कहा ना, फिर से एक बार उसका रेफरेंस लेते हैं। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू युद्ध कर, मैं है ना, बोले धीरे से पीछे से, मैं हूं ना, तू युद्ध कर, बाकी मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं। भगवान ने क्या कहा, तू प्रयास कर, तू प्रयास कर, जीतेगा तो स्वर्ग, जीतेगा तो जैसे कहते त्रिलोक के धारी राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट का भाई बनेगा तू, है ना, सम्राट तो युधिष्ठिर बने। ये बात भी याद रखनी है, युधिष्ठिर सम्राट बने, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी, धर्म और संयम। मैं कई बार सोचता हूं अगर मूवी का हीरो अर्जुन था तो सम्राट युधिष्ठिर कैसे बन गया ना, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता मूवीज में। फिर जब मैंने गुणों का विश्लेषण किया तो भीम के पास बहुत ज्यादा शक्ति थी, भीम के पास बहुत ज्यादा शक्ति थी। फिर जिसे कहते हैं कि अर्जुन के पास युद्ध कला थी, फोकस था, महान योद्धा था, नकुल बहुत ज्ञानी था, सहदेव जिसे कहते हैं सहयोग करने वाला, सपोर्ट करने वाला था। फिर चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर क्यों बने, तो ध्यान से सुनना, ये संयोग की बात नहीं है, प्लीज नोट करें, ये जो कैरेक्टर्स इस तरीके से लिखे गए हैं ना, ये संयोग की बात नहीं है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो सद्गुण है वह है संयम और धर्म का पालन, और जिसने ये कर लिया वह अपने जीवन के साम्राज्य का सम्राट है, जिसने ये कर लिया वह अपने जीवन के साम्राज्य का सम्राट है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं। डर के आगे जीत है ना, ये एक ऐड है जो सच्ची है। बहुत सारी ऐड में तो बहुत सारे डुप्लीकेट चीजें बताई जाती है, अब प्लीज नोट करें, वो ऐड देख के कोई हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर से जंप ना करे, है ना। पर जीवन का ये रूल है, डर के आगे जीत है, क्योंकि जब आप प्रयास करोगे तब आप धीरे धीरे उन चीजों को अच्छा कर पाओगे, और जब आप धीरे धीरे उन चीजों में बेहतर बनते हो तो डर निकल जाता है। और मैं बार 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 ये बताता हूँ, डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजी है हमारी और डेवलपमेंटल का साइंस जो है इंसान का, वो यही बताता है कि इंसान को हर चीज शुरुआत में ना हंसने लायक ही करता है। इंसान पहला कदम चलता है हंसने लायक होता है, इतना लड़खड़ाता है कि यार उससे तो क्या कहते हैं बाकी कोई और चीज अच्छे से बैलेंस करे, है ना। किसी ने पहली चाय बनाई हो, मुझे आज भी याद है पहली बार जब मार्केट से मैंने सब्जी लाई थी ना, मार्केट से पहली बार जब मैं 7वीं कक्षा में था और मम्मा को लगा कि मैं सब्जी लाने के लायक हो गया, उन्होंने मुझे भेजा पैसे देके मार्केट में, सब्जी लाई, मम्मा ने देखी, बोले बेटा इधर आ, ये ले सब्जी। मैंने बोला मैं क्यों लू, आप ले लो। तो बोले नहीं तो हाथ में पकड़, बोला ठीक है, अब हाथ थोड़ा ऊंचा कर, मैंने बोला ठीक है, लेफ्ट की तरफ घुमा, तो मैंने घुमा दिया, बोले छोड़ दे, तो मुझसे छोड़ना नहीं हुआ, क्योंकि मेरा हाथ उस वक्त इतना लंबा था कि मेरा मेरे हाथ की सब्जी कंपाउंड के बाहर जा रही थी। तो बोले सब्जी लेके आ, तो मैंने बोला इतने इतने बैंगन ला, इतने आलू ला, इतने टमाटर ला, मैं गया इतने दे दो, उसने जो दिए मैं लेके आ गया, है ना। उसके बाद अगली बार मम्मा ने फिर भेजा, ध्यान से सुना इंसान सीखता कैसे, अगली बार मम्मा ने फिर भेजा, अब मैं मार्केट में गया, मुझे हर टमाटर एक जैसा लग रहा है, और मेरे मन में डर कि इस बार भी फिर से कपूर फेंक दिया जाएगा टमाटर को। तो मुझे आज भी याद है, मैं नाम लेके बोलूंगा, हमारे पड़ोस की आंटी थी, बोरा आंटी, चंदन मेरा दोस्त, उनकी मम्मा मुझे दिख गई मार्केट में। मैं बोला यार कुछ करे ना करे, इनको तो समझ में आता होगा। धीरे से मैं गया, उनको बोला नमस्कार काकू, कैसे आता, तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे, कि मैंने उनको कहा नमस्ते आंटी, कैसे हो आप। तो बोले बेटा क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा टमाटर लेने आए हो और अच्छे टमाटर मिल नहीं रहे, तो उन्होंने बोला वो जो है ना वहां पे ले ले, वहां बहुत अच्छे। मैं बोला चलो, वहां गए ले लिया। फिर उनको बोला आप क्या लेने का प्लान कर रही हो, है ना, तो वो जो ले रही थी कॉपी पेस्ट सब उठा लिया, मेरी मम्मा परेशान, उसे लिए मैं कंपाउंड के पास खड़ा। मम्मा ने देखा वो परेशान, बोले इसका जजमेंट इतना कैसे सुधर गया एक हफ्ते में, है ना। तो उन्होंने पूछा कि ये किसने शॉपिंग की है, तो मैंने बोला बोरा काकू ने।
बोले ये क्या? मैंने बोला कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाया, कॉपी कर ली, यानी कि एक ज्ञानी की कॉपी कर ली। उसने बोला बढ़िया है, इससे सीखो जीवन में कुछ। और तब से आज तक 79 कोचेस हैं मेरे, 79 कोचेस हैं मेरे। जिस किसी चीज में स्ट्रगल करता हूँ तुरंत एक बढ़िया सा गुरु देखता हूँ। टोनी रॉबिन्स तक पहुंच गए हम, रॉबर्ट ट्रेओपेल तक पहुंच गए, टी हार्वे तक पहुंच गए, और दिन रात शरणागत होते भगवत गीता हाथ में ले लिए बैठते हैं। उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, अगर कोई चीज नहीं आती आपको और कोई दूसरा अच्छे से करता है, कॉपी मार लो, कोई ईगो नहीं रखना। और फिर 3-4 हफ्ते बाद और एक आंटी जी का नाम लूंगा, हीरापुर घर काकू, हमारी गली में और एक थी, तो उन्होंने और बोरा काकू, उन्होंने मुझे समझाया कि ये टमाटर कैसे चूज करते हैं, बैंगन को कहाँ देखना है, कहाँ पे वो उसको कीटक होते हैं वगैरह। और आज मैं ठीक ठाक ये काम कर लेता हूँ, है ना। तो प्लीज नोट करें, प्लीज 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 नोट करें, अगर आपको कोई चीज जम नहीं रही, सिंपल पढ़ना ऐसे व्यक्ति के पास जो जो अच्छा कर रहा है। या तो भगवद गीता में लिखा है अध्याय 3 में कि तुम्हें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और वो तुम्हें दिव्य, ओ क्षमा, दिव्य ज्ञान यानी अध्याय 4 में लिखा है, वो तुम्हें दिव्य ज्ञान देंगे, है ना। प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आजकल ना बहुत सारे गुरु है, यूट्यूब पे, गूगल पे, इधर उधर, हर जगह देखो कोई अच्छा कर रहा है उसकी कॉपी करो, काम खत्म, है ना। ईगो नहीं रखना है, और डर के भागना तो बिल्कुल नहीं। मुझे मेरे बहुत सारे किस्से याद है, पहली बार पोहा किया था, मम्मा इतनी खुश हो गई, बोले बेटा पूरा तू ही खा ले। मैंने कहा मम्मा तुम कितनी दयालु हो। तो आपको याद समझ में आया होगा कि मैंने क्या बनाया था, कैसे बनाया था, है ना। वो येलो दिखे इसलिए मैंने इतनी हल्दी डाल दी, है ना। तो वो पूरा ऐसे चमक रहा था, सोने के जैसे पोहे चमक रहे थे उस वक्त। तो वक्त वक्त की बात है, बट आज मैं एक बेहतर, जैसे कहते हैं ना, कि पोहे बना सकता हूँ। ओके, मैंने सीखा। और क्या कहते हैं, वो जमाना तो इतना आसान नहीं था, तो जब हॉस्टल गए तो खुद का खुद बनाना पड़ता था, और पसंद आए ना आए खाना पड़ता था, तो अपने आप नमक और चटनी का जजमेंट बन जाता है ना। जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे सीखना क्या है हमें, कुविद्या का लक्षण है डर, डर। और सुविद्या का लक्षण क्या है, सुविद्या जब आती है डर भाग जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और सुविद्या मतलब क्या, सही इंफॉर्मेशन। सही इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, सही गुरु के पास। तो प्रामाणिक गुरु की खोज जीवन भर करनी है हर चीज में। और यहाँ पे मैं एक एनएलपी का प्रिंसिपल आपको सिखाना चाहूंगा, एनएलपी का प्रिंसिपल, प्लीज नोट करें, व्हाट एवर वन पर्सन कैन डू अदर कैन लर्न टू डू। प्रिंसिपल है, लिख ले, व्हाट एवर वन पर्सन कैन डू अदर कैन लर्न टू डू। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब प्लीज नोट करें, निसर्ग के नियमों का पालन करना चाहिए, रूल्स ने। तो अगर मान लो कोई 8 साल का बच्चा है और कोई 80 साल का व्यक्ति है, वो अगर बोले तू जो कर सकता है मैं कर सकता हूं, नहीं। छोटे बच्चे की हड्डियां जरा ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, उसकी क्षमताएं अलग होती है ना, कंपेरेबल होना चाहिए। अगर मान लो 10वीं का एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छे मार्क ले रहा है, दूसरा स्ट्रगल कर रहा है, तो जो स्ट्रगल कर रहा है वो सीख सकता है ना। निसर्ग के नियमों का पालन करके आप ये रूल यूज कर सकते हो। अगर कोई भी इंसान एक चीज कर सकता है, सीख सकता है, अच्छे से कर सकता है, तो दूसरा इंसान भी मेहनत करके, प्रैक्टिस करके वह सीख सकता है। क्या मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ? थैंक यू, जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, कुविद्या का और एक लक्षण है कि ऐसे लोग, कुविद्याधारी लोग ना, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अब ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं दिन रात इसी की बात करता हूं।
दिन रात इसी की बात करता हूं। रिस्पेक्ट ना देना मतलब क्या है पता है आपको? भगवान की निर्मिति का अपमान करना। अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो यू आर इंसल्टिंग क्रिएशन ऑफ अलमाइटी गॉड, भगवान के क्रिएशन का इंसल्ट करना। अब ध्यान से सुनिए, जब हम देखते हैं ना कि हमारे बॉडी की इतनी सारी सिस्टम्स है ना एकदम परफेक्ट चलते रहती है, दिल अपना धड़क रहा है बचपन से लेके आज तक, है ना, ठक 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 ठक, तो बॉडी को एनर्जी जा रही है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, एनर्जी का सप्लाई हो रहा है, हमारे बाल अपनी अपनी गति से बढ़ते रहते हैं, नाखून अपनी गति से बढ़ते रहते हैं, कुछ भी खाना खा लो उसका कन्वर्जन एनर्जी में हो जाता है ना। इतनी बढ़िया सिस्टम है हमारे शरीर की, निसर्ग की। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ कई बार हमारे पुणे के मनपा जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परेशान हो जाते हैं पानी सप्लाई करने में। भगवान सारी दुनिया को बराबर चार चार महीना का वो जो बारिश का सीजन होता है पानी सप्लाई कर देते, है ना, जंगल को पानी सप्लाई अपने आप हो जाता है, नदियों को पहाड़ों को पानी सप्लाई अपने आप हो जाता है और सही तरीके से हो जाता है। फिर बाद में बारिश हो ना हो वो पूरा साल जी सकते हैं ना। तो भगवान का कोई भी क्रिएशन गलत नहीं हो सकता दोस्तों। और निंदा करने वाला, द्वेष करने वाला, रिस्पेक्ट न देने वाला व्यक्ति भगवान के क्रिएशन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ एक शब्द है जिसे ध्यान से सुने, लिटरली रोज सुनाता हूँ इस शब्द को मैं, वह है एक्सेप्टेंस। वह है एक्सेप्टेंस। मैं तो हमेशा सोचता हूँ, अब आप देखिए ना महाभारत को देखिए, जरा देखते हैं, थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास करते हैं। अब शब्दों के लिए माफी मांगकर, बट एग्जाम्पल है तो मैं बताता हूँ, अलग अलग टाइप के नमूने हैं महाभारत में, है ना। यहाँ एक बहुत बड़ा क्षत्रिय वीर है जो शपथ ले चुका कि मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। दूसरी जगह एक ब्रह्मचारी है वेद व्यास, जिन्हें देवर्षि भी कहा जाता है, देवतुल्य वेद व्यास। उन्होंने माता की क्या कहते हैं इच्छा का मान रखने के लिए कुरुवंश को आगे बढ़ाया, है ना। राजा है, अंधा है, ध्यान से सुनना, राजा है, अंधा है, अकल से भी अंधा, आंखों से भी अंधा। विदुर है, इतना ज्ञानी है बट राजा का गुलाम है, ज्ञान पूरा है, नीति पूरी आती है पर राजा के आगे जा नहीं सकता। द्रोणाचार्य, एक किस्सा है महाभारत का और मुझे विचलित कर देता है कभी कभी, मैं समझ नहीं पाता उस किस्से को कि गुरु द्रोण ने क्या किया पता है, पांडवों को विद्या सिखाई, धनुर्विद्या सिखाई और फिर दुर्योधन और उनके भाइयों को सिखाई। तो दुर्योधन को बोला जा मेरे लिए द्रुपद को पकड़ के ला, है ना। तो दुर्योधन सेना लेके गया, द्रुपद से युद्ध किया, हार गया, वापस आ गया, गुरु जी क्षमा करे मैं हार गया। फिर पांडवों को बोला क्या तुम लेके जा सकते हो, है ना। तो युधिष्ठिर राजा का पुत्र नहीं था, राजा उस वक्त ये थे धृतराष्ट्र। तो दुर्योधन सेना लेके जा पाया था पर ये लेके नहीं जा सकते थे और ये वैयक्तिक लड़ाई थी, इसके लिए राज्य की सेना यूज नहीं करनी थी उन्होंने। तो पांच भाई गए, द्रुपद पे आक्रमण किया, हराया, पकड़ के लेके आ गए, बराबर है, यहां तक सब स्टोरी ठीक है। अब अगर द्रोणाचार्य एक छोटे से बच्चे को धनुर्धारी अर्जुन बना सकते हैं जो द्रुपद की पूरी सेना को हरा सकता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता पूरा जीवन फिर द्रोणाचार्य ने द्रुपद को सहा क्यों। आया ना, मान लो मेरे स्क्रीन पे रोमा है या फिर तन्वी बेटा है और मुझे बहुत भूख लगी है और मैं उनको बोलता हूँ कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ खाना कैसे बनाते हैं और तुम खाना बना के मुझे दे दो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है तो कैसे होगा, है ना। अब द्रोण जो है ना उनके शिष्य के बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर छोड़ के उन्हें उसे कोई नहीं हरा सकता, किसको, अर्जुन को। तो द्रोण भी तो बड़े योद्धा थे, महाभारत के युद्ध में द्रुपद को मारा किसने, तो द्रोण ने मारा। विराट को मारा किसने, तो द्रोण ने मारा। तो उम्र के पहले 50 साल वो क्या कर रहे थे उस वक्त, वहां वो वीरता कहां गई,
है ना। तो ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब हम नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। एग्जाम्पल के तौर पे और एक एग्जाम्पल दूंगा कि गुरु परशुराम को, गुरु परशुराम केवल अपने पूरे जीवन काल में, अब वो तो यह है अमर है, चिरंजीवी है, बट जितना कि जितना भी इसमें लिखा है, पुराणों में लिखा है, धर्मशास्त्रों में लिखा है ना, जितना भी पुराणों और धर्मशास्त्रों में लिखा है, गुरु परशुराम को केवल एक ही क्षत्रिय ने हराया था, एक क्षत्रिय ने, और वो थे पितामह भीष्म, पितामह भीष्म। ओके जरा सर्च कीजिएगा। ओके तो पितामह भीष्म, राम, भगवान राम का परशुराम जी के साथ युद्ध नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके उनकी डिबेट हो गई तो राम ने नम्रता पूर्वक उनके सामने बोला, गुरुवरिया आप श्रेष्ठ हो, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। ओके पर भीष्म को उन्होंने बोला था कि तू ये तीन लड़कियों को उठा के लाया है और उसके उसमें से एक के साथ तू शादी करनी चाहिए तुझे। भीष्म ने कहा गुरु जी जो भी है, ओके मैं शादी नहीं कर सकता, मैं वचनों से वचन से बंधा हुआ हूं। तो परशुराम गुरु जी ने कहा तुझे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा और मैं तुझे हराऊंगा और फिर तेरी शादी लगाऊंगा। तो युद्ध जब हुआ तो भीष्म ने हरा दिया परशुराम गुरु जी को, अपने ही गुरु को, और फिर वो नतमस्तक हो गए और उन्होंने कहा कृपया स्वीकार करें मेरी परिस्थिति का, मैं विवश हूं, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है और मेरी गलती का जो भी भोग होगा वो मैं भोगूंगा, मैं उसे ना नहीं कहता। और हुआ भी वही, शिखंडी बन के आ गई वापस और उनकी मृत्यु का कारण बनी, है ना, अम्बा अंबिका अम्बालिका, ऐसे तीन युवराजनियां थी वो। बात क्या है, मैं बात ये बात आपके सामने प्रस्तुत करने करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि सबकी अपनी स्टोरी है, सबकी अपनी स्टोरी है, हर कोई अपनी जीवन की एक स्टोरी को पूरा करने का प्रयास कर रहा है और उस प्रयास में भगवान ने उसे ना एक अलग बनाया है। जस्ट इमेजिन कि आपके जीवन में मान लो 100 लोग है, कल्पना करें आपके जीवन में 100 लोग है और वह 100 लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वह 100 लोग एग्जैक्टली, वह 100 लोग एग्जैक्टली आपके डुप्लीकेट कॉपी है, कॉपी पेस्ट आपके जैसे, कैसा हो जीवन। इमेजिन मैं किचन में जाता हूं और मेरे को उधर कोई सुनाता है तो वह प्राप्तसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिमा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृते निश्चित। पता चला मैं नीचे जा रहा हूँ बैडमिंटन खेलने, वहां भी कोई बोल रहा है कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रश्यामि त्वाम सम्मुचेता, मैं डर जाऊंगा, बोर हो जाऊंगा, भाग जाऊंगा अपने आप से अगर हर कोई मेरे जैसा मुझे मिला तो। और इसीलिए भगवान ने हम पे दया की है कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के नमूने दिए हैं, तो उनका स्वीकार करे, क्या करे स्वीकार करे, देयर इज अ रीजन। सब एक जैसे होते तो क्या होता, हम में और जानवरों में क्या फर्क होता। देखिए ना, जानवर सब एक जैसे होते तो उनकी उन्नति नहीं होती। एक कौवे की बात करें तो भगवान राम के वक्त कौवे का जो वर्णन किया है, काकभूषणी नाम का एक अध्याय है रामचरितमानस में, उसको पढ़िए। कौवा और गरुड़ का जो, गरुड़ के जो लक्षण थे प्लीज नोट करें, और जो उनका वर्तन था वो उस वक्त भी वही था जो आज है। क्या इंसानों का ऐसा हुआ है? नहीं, क्योंकि हम सब अलग है। बाकी प्राणी मात्र देखिए ना, हिरन सब एक जैसे, जेबरा एक सब एक जैसे, हाथी सब एक जैसे, चिड़िया सब एक जैसी, चाइनीज सब एक जैसे, हमको लगते हैं होते नहीं है है ना चाइनीज लोग। ओके बट मुझे तो लगता है ये सब एक जैसे है भाई भाई, ये सब इवन लड़कियां भी लड़कों जैसी नजर आ जाती है चाइनीज वालों की तो कभी कभी, है ना। वो मैं क्या नाम है उसका, वो ब्रूसली जैकी चैन की मूवीज काफी देखता था मैं और परेशान हो जाता था ये सब एक जैसे कैसे दिखते हैं। तो कोई बात नहीं है, पर ये बात जो है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, किसी का धिक्कार ना करें, किसी को छोटा ना माने और हर हाल में स्वीकार भाव में रहे। ओके अगर स्वीकार भाव की कमी है तो उसका सीधा सीधा है ना,
डायरेक्ट प्रोपोर्शन, स्वीकार भाव की कमी मतलब ज्ञान की कमी, स्वीकार भाव की कमी मतलब ज्ञान की कमी, है ना। क्योंकि अब ये बचपन का सवाल है और मैंने मेरी नानी माँ को पूछा था कि अगर भगवान ब्रह्मा पृथ्वी के रचयिता है ना, उस वक्त जिसे कहते हैं ना कि एक स्टोरी सुनाई गई थी मुझे, अभी मुझे वो स्टोरी का असुर नहीं याद, पर एक असुर था, ओके, उसको ब्रह्मा ने कुछ वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने कुछ वरदान दिया और वो ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गया, ब्रह्मा जी को मारूंगा बोले उसने, तो ये वरदान दिया और वो ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गया। जस्ट इमेजिन कि मान लो कोई लेपर्ड है और अटका पड़ा है ना, जाले में फंस गया वगैरह वगैरह, कोई लेपर्ड है और आपने उसे छोड़ा और वो आपके पीछे भाग रहा है ना, ऐसे ब्रह्मा जी के साथ हुआ। तो ब्रह्मा जी ने एक असुर को वरदान दिया और वो ब्रह्मा जी को ही खत्म करने पीछे लग गया ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए और उनको बोला, त्राहि माम कृपया रक्षा करो, कृपया रक्षा करो, है ना। तो मैंने मेरे नानी को बोला, ब्रह्मा जी अगर सबके निर्माता है तो इनका निर्माण क्यों करते हैं? अब इतना लंबे चौड़ा रामायण सुनाते थे हमें बचपन में, अब ये मेरा सौभाग्य रहा बचपन में मैंने रामायण महाभारत ये बहुत ज्यादा सुना, भागवत भी बहुत ज्यादा सुना, है ना, घर में थोड़ा सा आध्यात्मिक बैकग्राउंड है मेरे। तो मैं उनको बोला, अब ये रावण भगवान की निर्मिति है ना, यानी गलती करे भगवान और भरे कोई और, सारी दुनिया परेशान हो गई उनसे, तो भगवान ऐसे लोगों की निर्मिति क्यों करते हैं? ओके, और मैं बताता हूं, उस वक्त मेरी नानी मेरे को नहीं समझा पाई, पर रिसेंटली मैं विष्णु पुराण देख रहा था या पढ़ रहा था और वहां पे मुझे एक बात पता चली कि जब तक दुख ना हो सुख का महत्व नहीं समझता, है ना। हर चीज के दो, जब परीक्षा होती है ना तो पास होने का मजा आता है ना। नहीं, एग्जांपल कि आप स्कूल में जाते हो, चाहे जो करना है करो, वापस आते हो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, चलो आप यू आर पास, मजा नहीं आएगा, है ना, मजा नहीं आएगा। तो जीवन का भी ऐसे होता है, ये सब चीजें जो होती है, जिसे कहते हैं ना, जब अंधेरा होता है तब सूरज का महत्व पता चलता है ना, जब जिसे कहते हैं गर्मियां आती है तब हमें बारिश का महत्व पता चलता है, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। तो कृपया स्वीकार भाव में रहे, हर व्यक्ति जिस किसी प्रकार का है, चाहे दिखने में, शरीर रचना में, चाहे जिसे कहते वर्तन में, चाहे बिलीफ सिस्टम में, एक रीजन है उसके पीछे, उसका स्वीकार करें, उसका स्वीकार करें। और एक है भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि ज्ञानी को अज्ञानियों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए, केवल अपने आचरण से उनको इंस्पायर करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस पॉइंट पे यहाँ पे रुकते हैं कुविद्या के लक्षण में, कि एक लक्षण यह भी है कि अज्ञानी लोग स्वीकार नहीं करते हैं और निंदा करते रहते हैं, लोगों को हेट करते रहते हैं। तो इसी के साथ ही ऑलमोस्ट 5:45 हो गए, तो आज के लिए यही रुकते हैं, आते रहिए और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए, कभी कभी आप भी लोग आओ भाषण दो, है ना, और कहते रहिए जय श्री कृष्ण।